चार दिनों तक चला जुन्का फ्लाइंग फेस्टिवल का शनिवार को समापन हो गया। समापन मौके पर सीएम मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टॉल की सराहना भी की। इसके बाद विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। फ्लाइंग फेस्टिवल के विजेता इस बार भी नेपाल के अमन थापा रहे, जिन्हें 2,25,000 का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कि आज शिमला के अंदर फ्लाइंग फेस्टिवल होना जुन्का में, अरुण रावत जी का एक सपना था। लास्ट ईयर ये शुरू किया इन्होंने और पिछले वर्ष मुख्यमंत्री जी खुद इसमें शामिल हुए थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन्होंने की, इससे टूरिज्म को जहां बढ़ावा मिलेगा, एक एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा मिलेगा। तो आज हमें इसके समारोह में आने का मौका मिला और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स, तकरीबन 40-50 पायलट्स में इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इंडिविजुअल इवेंट्स भी थी और टीम इवेंट्स भी थी और बहुत अच्छे से प्राइज मनी आप देखें 2,25,000 जो इंडिविजुअल इवेंट्स में जिन्होंने पहला स्थान पाया, एक बहुत अच्छा माहौल। और हिमाचल के संदर्भ में अगर इसको हम देखें तो टूरिज्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनका ये प्रयास जुन्का को एक टूरिज्म मैप पे खड़ा करेगा। शिमला के बाद कुफरी जुन्का तो एक डेस्टिनेशन बनेगी। सर, शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो दूसरा संस्करण था एंड इट वाज फ्लॉलेसली ऑर्गेनाइज्ड और प्रभु की कृपा हुई कि कहीं भी कोई इसमें कोई विघ्न नहीं पड़ा, ना मौसम का ना किसी भी तरीके का, एंड इट वाज फ्लॉलेसली ऑर्गेनाइज्ड। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसी इवेंट्स बार बार होती रहें और हर साल होती रहे। हाँ, अब मैं एक एक करके दोनों प्रश्नों का जवाब देता हूँ। यस, ये एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त, इन द सेंस कि मेहनत लगती है, हर काम करने में मेहनत लगती है और इतने सब लोगों को साथ में जोड़ना, सो आफ्टर ऑल देर आर सर्टेन एफर्ट्स, बट देन जब ये कोई भी इवेंट अच्छे से फ्लॉलेसली ऑर्गेनाइज हो जाती है तो उसकी एक खुशी भी होती है जो सारी जितनी भी मेहनत होती है या थकावट होती है उसको ओवरकम कर लेती है। अगले साल सर, जैसा आपने पूछा कि हम चाहते हैं कि अगली बार हम सरकार के साथ मिल के प्री वर्ल्ड कप यहाँ पर करें। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है और सब पायलटों का लेवल अभी बढ़ रहा है तो बहुत मज़ा आ रहा है और कंपटीशन बढ़ रहा है। जो कंपटीशन हो रहा है उसमें सब पायलटों का फ़ायदा हो रहा है कि सबका लेवल अभी पिछले साल से इस साल काफ़ी अच्छा हो रहा है तो उसमें काफ़ी मज़ा आ रहा है। यहाँ की अगर इस बात की साइट की बात करें तो ये कैसी लगती है पैराग्लाइडर? साइट की बात करें तो साइट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि मैं एक्रो पायलट हूँ तो मुझे डायनेमिक विंग चाहिए। तो इधर जो टेक ऑफ एरिया है उधर के 1 किलोमीटर राइट साइड पे फुल रिच स्वेयरिंग है, उधर काफ़ी अच्छा डायनेमिक विंग चाहिए। मेरा नाम श्याशी तामंग है और मैं कालिम्पोंग वेस्ट बंगाल में रहती हूँ। ये कॉम्पिटिशन कम फेस्टिवल है तो इधर का एक्सपीरियंस दूसरे कॉम्पिटिशन से काफ़ी डिफरेंट था क्योंकि इधर बहुत सारे स्टॉल्स भी लगे थे, बहुत वो फेस्टिवल मेला टाइप्स था और हमारा टेक ऑफ बहुत अच्छे से हमें वो अपने नंबर प्लेट की मदद से भेजा जाता था, हमारा लैंडिंग वो सब अच्छे से देखते थे और हमारा जो इधर ये फेस्ट में जो उन्होंने याद किया है हर पायलट को इंडिविजुअली याद किया है, यहाँ रावत सर को मैं बहुत